जिला मुख्यालय पर स्थित एआरटीओ ऑफिस परिसर का अपर जिला अधिकारी ने औचक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। छापेमारी के दौरान कार्यालय में मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तारी भी हुई। आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अफसरों को पहले निर्देश दिया गया है, सरकारी दफ्तरों में निजी कर्मी मिलते हैं तो उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। जैसा कि आप अवगत हैं, शुचिता और अच्छी सेवा प्रदान करना शासन की प्राथमिकताओं में से है। इसी विक्रम में जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार सभी विभागों में टीमें बना बना करके औचक निरीक्षण कराया जा रहा है। इसी के क्रम में आज एडीएम साहब और मेरे द्वारा यहाँ पर आरटीओ कार्यालय में चेक किया गया। इसमें एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से पाया गया है, जिसके विषय में गहनता से पूछताछ और जाँच की कार्रवाई की जाएगी। अगर वो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त हैं तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। अन्य विभागों में भी हम लोग लगातार इसी प्रकार ज्वाइंट रूप से एक टीम के रूप में कार्रवाई करते रहेंगे। शुचिता और अच्छी सेवा प्रदान करना ये जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता। साहब ये बताइए कि यहाँ पर जो अचानक में आप लोगों ने छापा मारा है, क्या कोई सूचना आई थी या डेली रूटीन की जो चेकिंग होती है उसके तहत ये छापा हुआ है, और अभी तक यहाँ पर कितने लोग पकड़े गए हैं? देखिए, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि अभी जो छापेमारी की कार्रवाई हुई है, एक संयुक्त रूप से एक प्रयास है जिसमें हम अपने साथ हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं, सीओ साहब हैं, एआईटीओ साहब हैं और जो पूरी जो अमला है उसके साथ हम लोग आए हुए हैं। हमारा मानना है कि कोई भी जो है अवैधानिक पर्सन या अनआइडेंटिफाइड पर्सन किसी भी कार्यालय में किसी भी तरह से अपना अप्रोच न रखे। वो ऐसे लोग होते हैं जो मिडिल मैन का काम करते हैं और सरकार के दिए गए निर्देशों के क्रम में, शासन के दिए गए निर्देशों के क्रम में हम लोग बहुत सख्ती से इसे निपटने का कार्य जनपद अम्बेडकर नगर में कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जनपद के जो जिला संयुक्त अस्पताल है उसमें भी हमने दो अनआइडेंटिफाइड लोगों को जो है उसमें चिन्हित करते हुए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हुए कार्रवाई कराई थी। उसी के तहत आज जो है हम लोगों ने कैंपस में घुसने के बाद एक एक व्यक्ति से पूछताछ किया है, उनके कागजों और अभिलेखों को देखा है। साथ ही साथ अभी एडिशनल साथी हमारे साथ हैं, उन्होंने एक एक व्यक्ति से बात किया है और एक व्यक्ति अनआइडेंटिफाइड अवैधानिक तरीके से इसमें पाया गया है, जिसके पास कोई कागज नहीं था और जो प्रथम दृष्टया बातचीत करके यह पता चला है कि वो यहाँ पर जो है आता जाता है, तो उसको अभी हम लोग अपने उनको कोतवाली ले जा रहे हैं, उनसे जो है पूछताछ की जाएगी। एडीएम साहब, और इसके अलावा क्या यहाँ खामियां मिली हैं और किस तरीके की यहाँ पे शिकायतें लोगों ने की है, या पूरी तरीके से एक गिरफ्तारी के बाद और कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई, और भी कुछ लोगों ने बताया है क्या आप लोगों को? देखिए, खामियां तो हैं, एक तो ऑफिस अव्यवस्थित, जो ऑफिस की कार्य पद्धति होती है वो अव्यवस्थित हम लोगों को दिखी है। धूल का अंबार लगा हुआ है, फाइलें बेतरतीब रखी गई हैं। एआरटीओ साहब को बताया गया है, अब ये अपने उस पर कमांड करें और साथ ही साथ उनको ये भी निर्देशित किया गया है कि पूरे कार्यालय परिसर को सुव्यवस्थित करें, चाहे वो बाहरी कैंपस हो चाहे अंदर का कैंपस हो। बाहरी कैंपस में भी जो बैठने की व्यवस्था है उसको सुदृढ़ रखें, पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था और लोगों के आवागमन के लिए सीसीटीवी कैमरे की जो है व्यवस्था को तैनात करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अंदर के में भी सीसीटीवी कैमरा लगाएं और देखें कि जहां जो पटल पर कार्य किया जा रहा है कोई भी अनआइडेंटिफाइड और मतलब जो अनाधिकृत व्यक्ति है वो वहाँ पर न बैठे, और ऐसा इनको करने के लिए और इसको कार्य पद्धति में शामिल करने के लिए करें और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी, और आप देखेंगे कि अन्य विभागों में भी इसी प्रकार से कार्रवाई हम लगातार करते रहेंगे, और अगर कोई भी व्यवस्था के में जो है कोई भी जो ब्रिज करता है तो उसके विरुद्ध कठोर विधि कार्रवाई की करेंगे। डीएम साहब, सुदूरवर्ती जो कार्यालय हैं, क्या जिला मुख्यालय पर ही कार्रवाई सीमित रहेगी कि या इसको जो है आप लॉन्ग जो दूरी पे डिस्टेंस पे ऑफिसर्स हैं उस पर भी ये कार्रवाई आप लोगों द्वारा होगी? जनपद के किसी भी तहसील, ब्लॉक या जो ग्राम स्तर के जितने भी कार्यालय हर जगह कार्रवाई कर रहे हैं। जो आपने प्रश्न पूछा है शायद आपको जानकारी नहीं हो, भीटी तहसील में स्वयं जिलाधिकारी महोदय वहाँ सीएससी से लेकर के वहाँ के सभी ब्लॉक लेवल पर उन्होंने जाँच किया था। कल मेरे द्वारा जो है औचक रूप से संदेह होने के बावजूद भी टांडा में जाकर के वहाँ की निरीक्षण करते हुए देखा गया था। ऐसा नहीं है, जनपद पूरा एक यूनिट के रूप में है और जनपद के हर लेवल पर हम लोग जो है इसकी रणनीति बनाए हुए हैं। किसी भी स्तर पर कोई खामियां नहीं होगी और अगर कोई करता है तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे।